नमस्कार मित्रों, मित्रों आज हमारे इस वीडियो का मुख्य विषय यह है कि भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम क्यों नहीं कहा जाता है, जबकि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। और हम इसी विषय को आधार मानकर 12 कलाओं के साथ साथ 64 कलाओं तक पहुंचकर उससे भी ऊपर अनंत कलाओं से युक्त यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पहुंचेंगे, जो अनंत तथा संपूर्ण कलाओं के साथ द्वापर युग में पृथ्वी पर अवतार लिए थे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि इस बात को सभी लोग जानते हैं कि जब भी पृथ्वी पर धर्म का नाश होने लगता है, तब भगवान विष्णु को पुनः धर्म स्थापना के लिए अपने अंशावतार के साथ या कभी कभी अपनी पूर्ण शक्ति के साथ पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है, और यह बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। किंतु विष्णु के इस तरह के अवतारों में मर्यादा अर्थात एक सीमा होती है, उसी के हिसाब से सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। अर्थात हमारे कहने का मतलब यही है कि हर युग में पापियों के आधार पर पापों की संख्या निर्धारित होती है। जैसे सतयुग में पाप नाम मात्र का अर्थात सतयुग पाप मुक्त युग है, उसी तरह से त्रेता युग में इसकी संख्या बढ़ जाती है और उसके बाद क्रमशः द्वापर के अंत तक इसकी संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है, और कलयुग में तो चहुओर पाप ही पाप होता है। इस प्रकार से युगों के पापों के हिसाब से विष्णु जी समय समय पर अवतार लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वे कुछ क्षणों के लिए ही अवतार लेते हैं, जो बहुत ही सीमित शक्ति के साथ और बहुत ही सीमित समय के लिए, जैसे 12 अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार इत्यादि इत्यादि। किंतु विष्णु जी के 2 अवतार ऐसे हुए हैं जो मानवीय रूप में अधिक समय के लिए तथा अधिक गुणों से संपन्न रहे हैं, जैसे त्रेता युग में भगवान राम और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण, जिसमें युगों के पापों के हिसाब से त्रेता युग में चुकी पापियों की संख्या अपेक्षाकृत द्वापर के पापियों से कम थी, इसलिए भगवान राम उसी के हिसाब से मात्र 12 कलाओं के साथ अवतार लिए, जिसमें त्रेता युग के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा उनकी शक्तियां उत्तम तथा स्वयं द्वारा मर्यादित थी, इसीलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। उस समय पापियों का नाश करने के लिए इतनी ही शक्तियां काफी थी, किंतु त्रेता के बाद द्वापर युग में पापों की संख्या अत्यधिक बढ़ गई। उस समय पाप करने के लिए वे सभी दैत्य दानव पृथ्वी लोक में राजा होकर जन्म लिए, जो कभी देवासुर संग्राम में मारे गए थे। ऐसी स्थिति में उनके प्रभावों से पृथ्वी का भार अत्यधिक बढ़ गया था। उस समय की स्थिति का अंदाजा तो आप स्वयं लगा सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अपनी माँ के गर्भ में रहने से लेकर केवल युवा अवस्था आने तक उन्हें कितने ही दैत्यों के प्रहारों से बचना पड़ा था। महाभारत तो अभी बहुत दूर था। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु को केवल पुरुषोत्तम जैसी सीमित शक्तियों के साथ अवतार लेकर पृथ्वी के भार को हल्का कर पाना संभव नहीं हो पाता, इसलिए उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से उन्हें अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ अवतार लेना पड़ा था। साथ ही उनके सहयोग के लिए देवताओं को भी मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा था, तब जाकर यह कार्य पूर्ण हो पाया। कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण का अवतार 64 कलाओं अर्थात 64 शक्तियों से संपन्न था, किंतु यह बात मात्र कहने और सुनने की है, क्योंकि इस संबंध में तो भगवत महापुराण के अध्याय 2 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जिसमें स्वयं भगवान विष्णु अपनी योग माया से कहे हैं कि देवी कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। अब यहाँ पर हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण केवल 64 शक्तियों के साथ ही जन्म लिए थे, जबकि स्वयं इस विषय पर विष्णु जी कहे हैं कि अब मैं अपने समस्त ज्ञान और बल के साथ जन्म लूंगा। इसलिए
यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों को गिनती में गिनना मूर्खता होगी, क्योंकि वे तो विष्णु की अनंत शक्तियों को धारण किए थे। इसी के क्रम में आगे देवता लोग भी भगवान श्री कृष्ण के सहयोग में मनुष्य रूप में जन्म लिए थे, जिसका वर्णन इसी भगवत महापुराण के दशम स्कंद के अध्याय 1 में लिखा गया है, जिसमें खुद ब्रह्मा जी अपने देवताओं को उस समय यह आदेश दिए। देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी अभी मेरे द्वारा सुन लो और उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान विष्णु अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए जब तक पृथ्वी पर लीला करें, तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। इस प्रकार से देखा जाए तो द्वापर युग के दैत्यों का नाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम जैसी सीमित शक्तियों के साथ नहीं, बल्कि वे अपनी संपूर्ण तथा अनंत शक्तियों को धारण कर समस्त देवताओं सहित यादव कुल में जन्म लेकर समस्त दैत्यों के भार से पृथ्वी को हल्का किए। शायद यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम नहीं बल्कि उससे भी अधिक शक्तियों को धारण करने वाला कहा जाता है, क्योंकि उस समय दैत्यों का वध करने के लिए उन्हें अनंत तथा असीमित शक्तियों की आवश्यकता थी। किंतु इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि त्रेता युग के भगवान राम और द्वापर युग के भगवान श्री कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार थे, जो अपने अपने युगों के पापों के अनुसार अपनी शक्तियों को धारण कर पृथ्वी को पापियों से मुक्त किए। तो मित्रों, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की अनंत शक्तियों वाला यह प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।